मीनार पाकिस्तान कितने सालों में बना था? माशाल्लाह वो बन गया था, बन गया था, यही काफ़ी है। चले ये ठीक है। इलामा इकबाल जो है वो हमारे बड़े पेश शायर भी था, उन्होंने ही नज़रिया पेश किया था 23 मार्च के वाले से, बट वो आए नहीं थे 1940 के जलसे में। वो इंटेलिजेंट गैस हो जाए आपकी तरफ से, वो नाराज़ थे कायदे आज़म, वो वाकई नाराज़ ही लगते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया। आज के 23 मार्च 1940 को हुआ क्या था? आज तो बुध है, आज बुध है, ले भी आज बुध ही, हमें पता लग गया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुआज़ अहमद गिलानी और आप देख रहे हैं मीडिया वर्ल्ड 247। जनाब आज 23 मार्च का दिन है, 23 मार्च को क्या हुआ था? एक करारदान मंजूर की गई थी जिसकी बायस हमारा मुल्क आज वजूद में है। कायदे आज़म और उनकी टीम ने इंतहाई मेहनत के साथ जो काम किया था, क्या आज लोगों को उसका एहसास भी है? लोगों को पता भी है कि 23 मार्च को करारदाद जो मंजूर हुई थी, जिसे करारदाद लाहौर भी कहा जाता है और करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है, ये एक्चुअली थी क्या? इसको क्या मकासद क्या थे, यानी ये सारी चीज़ें क्या थी? आज इसके वाले से हम लोगों से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि लोगों को कुछ पता भी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, लोगों से सवाल पूछने वाली नहायत काबिल और ख़ूबसूरत सी जो हमारी एक होस्ट हैं कुर्रतुल ऐन, वो आज हमें अचानक से मिल गई हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि इनसे हम भी कोई दो चार क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक ठाक हैं? कैसा लग रहा है आज पहली बार दूसरों को इंटरव्यू देना है? वैसे आप करती रहती हैं, दूसरों को भी देती रहती हैं, मैंने देखा है, तो एक मेरी जैसी नाचीज़ को कैसा लगेगा? नहीं नहीं, हमेशा अपने आप को नाचीज़ नहीं कहना चाहिए। अच्छा, आज 23 मार्च के वाले से हम थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूँ? नहीं आता। चले कोशिश करते हैं, हम आवाम को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे होस्ट वैसे खूबसूरत के साथ जो है ना नॉलेजेबल भी हैं। इलामा इकबाल जो हैं वो हमारे बड़े पेश शायर भी था, उन्होंने ही नज़रिया पेश किया था 23 मार्च के वाले से, बट वो आए नहीं थे 1940 के जलसे में। वो इंटेलिजेंट गैस हो जाए आपकी तरफ से, वो नाराज़ थे कायदे आज़म। वो खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय, वो वाकई नाराज ही लगते थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया था। ऐसे ही था, वो कायदे आज़म से नाराज थे और उन्होंने कहा था मुझे ज्यादा प्रोटोकॉल नहीं मिला इसलिए वो नहीं। ये बात तो ठीक है, जैसे आजकल जो है वो इमरान खान साहब से काफी लोग नाराज बैठे हुए हैं, उसी तरीके से हो सकता है इलामा इकबाल भी नाराज थे। ऐसे ही है मैम, तो मैम एक और क्वेश्चन पूछने की इजाज़त चाहेंगे आपसे, ठीक है? जितने मर्जी पूछें। तो लाहौर में ये किस पार्क में हुआ था? ये मिंटो पार्क, आजकल उसको क्या कहते हैं? आजकल उसको कहते हैं मीनार पाकिस्तान। क्या बात है, मीनार पाकिस्तान कितने सालों में बना था? माशाल्लाह वो बन गया था, बन गया था, यही काफ़ी है। चले ये ठीक है, यही काफ़ी है, और मीनार पाकिस्तान में बहुत कुछ हो चुका है, यही काफ़ी है। आयशा वाला वाक्या भी हो चुका है, मैम का इशारा उस तरफ है मेरा ख्याल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मैम की तरफ। कैसा दिया? जबरदस्त, ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम आपका। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बहुत ही मेहनती है, काबिल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है प्यारे भाई का? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सरफराज है। साबिर, आज क्या मनाया जा रहा है 23 मार्च 1940, हुआ क्या था आज के दिन? आज के दिन क्या हुआ था, कहाँ मनाई गई थी? चलो करारदाद पाकिस्तान लाहौर में मनाई गई थी, कौन से पार्क में मनाई गई थी? क्या मना रहे हैं, ये तो पूछ रहा हूँ, आज के 23 मार्च 1940 को हुआ क्या था? आज तो बुध है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आज बुध है, ले भी आज बुध ही, हमें पता लग गया। यकीन करें सुबह से मुझे किसी ने इतना प्यारा जवाब नहीं देने की कोशिश की, मैं भाई के पाँव देखने की कोशिश करता हूँ, अगर कैमरा मैन हमारा पाँव दिखा सके तो इस तरह के पाँव ऑडियंस से कहूँगा कि ढूंढ के यूट्यूब के ऊपर सर्च मारें और उनको चूमें। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत दोनों भाई हैं दोस्त, अल्लाह ताला आपको। सलमान खान की नई मूवी कौन सी आ रही है? क्या सलमान खान की नई मूवी कौन सी आ रही है? वो कौन है, अपना नाम बताना ज़रा। साबिर। अबू जी का? फलक शेर। फलक शेर, शुक्र है यार, मुझे यकीन हो गया कि ये थोड़ा सा है, मुझे तो लग रहा था आज हमारा प्रोग्राम जो है ना वो वायरल हो चुका है भाई के, तो फैल खुश रहें, खुश रहने दें सारे, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है प्यारे भाई का? उमर शुएब। उमर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? हाँ जी ठीक। 23 मार्च आज मनाया जा रहा है, छुट्टी मनाई जा रही है प्रॉपरली, हुआ क्या था कोई पता है आपको हल्का फुल्का? हाँ जी, पाकिस्तान पर नई करारदाद पेश हुई थी। अच्छा, कब हुई थी?
1940 23 मार्च। मैं पहला क्वेश्चन, अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं आप जवाब देंगे, यानी जो 23 मार्च 1940 को करारदाद मंजूर हुई थी वो किस पार्क में हुई थी? मैं अगर कहते हैं तो आपको 3-4 ऑप्शंस भी दे देता हूं कि जिलानी पार्क में हुई थी, कोई मंटो पार्क में हुई थी, या जो है क्या कह सकते हैं जनाब पार्क में हुई थी। किस पार्क में हुई थी? इकबाल पार्क में। इकबाल पार्क में नहीं भाई, इकबाल पार्क में नहीं, मंटो पार्क में हुई थी। अब उसका ज़रूर उसका नाम जो है ग्रेटर इकबाल पार्क कर दिया गया, लेकिन उस ज़माने में उसका नाम मंटो पार्क था। और चलिए एक और क्वेश्चन नॉमिनल से पूछते हैं आपसे, शायद थोड़ा बहुत पता लग जाए। पाकिस्तान के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो बच्चों को नहीं आजकल के। तहरीक में जो है सर सैयद अहमद खान बड़े प्रोमिनेंट थे, यानी उन्होंने ही इस तहरीक शुरू की थी, लेकिन वो 1940 के जलसे में नहीं आए थे, उसकी क्या रीज़न थी? कोई हल्का फुल्का गैस मारे अंकल आप बताएं। उनसे पहले वो इंतकाल कर चुके। बेहतरीन, शुगर है भाई, शुगर है। ये अपने वाले साहब से कभी वेले टाइम में पूछ लिया करें पबजी को छोड़ के। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? जी आतिफ हसन। आतिफ असलम? आतिफ हसन। हसन, अच्छा मैं कहा आतिफ असलम हमारे शो में आ गया, हमारे तो भाग लग जाएंगे जबरदस्त। कैसे हैं सर, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। आज 23 मार्च के वाले से डे मनाया जा रहा है, कुछ थोड़ा सा हमें आइडिया है आपको कि क्या हुआ था? 23 मार्च को करारदाद पेश की गई थी। तो थोड़े से कोई क्वेश्चंस करूं जनरल नॉलेज के, पता लगे कि पाकिस्तान के बारे में कोई नॉलेज भी है या बस ऐसे ही चल रहा है, तो बताना पसंद करेंगे? जी जी, अगर इंशाल्लाह आते होंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि 1940 में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? 1940 में लियाकत अली खान साहब। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम लियाकत अली खान साहब थे। चलें इसके जवाब हम आखिर पर जरूर बताएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, जो करारदाद मंजूर की गई थी ये बड़ा एक टफ सा क्वेश्चन है, वो किसने पेश की थी बेसिकली? करारदाद जो पेश की गई थी किस रहनुमा की तरफ से बयान की गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन। वेरी नाइस यार, ये सबसे टेक्निकल क्वेश्चन था जो भाई ने जवाब दे दिया। एक आखिरी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं भाई से। इलामा इकबाल बड़े मुतहरिक थे, यानी जो पाकिस्तान का ख्वाब कहा जाता है कि कायदे इलामा इकबाल ने पेश किया था, लेकिन वो 1940 के जलसे में नहीं आए थे। कोई जस्टिफिकेशन को याद पड़ता है कि क्यों नहीं आ पाए थे वो 1940 के जलसे में? इलामा इकबाल मौजूद नहीं थे। इलामा इकबाल मौजूद नहीं थे, सॉरी। बिल्कुल चलें कोई मसला नहीं, ऑडियंस हम कमेंट सेक्शन में और नीचे इसके जवाब बताएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सर से बात करने, आतिफ भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा। सोन एसयू अल्लाह। तो जनाब आज हमने लिबर्टी मार्केट में लोगों से 23 मार्च के वाले से बड़े मज़ेदार क्वेश्चन करने की कोशिश की, बड़े ज़बरदस्त किस्म के जवाब मिले, बड़ी अच्छी बातें पता लगें। कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, कुछ लोगों ने बड़ा नॉमिनल सा रिस्पांस दिया। आप लोगों का क्या रिस्पांस है मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ। जो लोग पहली दफ़ा आज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो उन तक पहुँच सके। मेरे कई दोस्त अब आपने मुझे फ़ोन करके कहा कि जी नई वीडियोज़ नहीं आ रही, दर हकीकत आप लोगों ने अभी तक बेल आइकॉन को क्लिक नहीं किया। तो बड़ा मेहरबानी जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मेरा नाम है मौज़ अहमद गिलानी, शो का नाम है मीडिया वर्ल्ड 247 और मेरे कैमरामैन का खूबसूरत सा नाम है निहाल फैसल। प्रोग्राम को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके साथ ही आज हमें इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।